वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 38, जो कि है 30th of September की वर्कशीट। आज की जो 10th क्लास की वर्कशीट के जो मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से। अगला टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता है कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो टॉपिक सीखा है साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक्स कॉट, अब उसका रियल लाइफ में यहाँ पर हमारा यूज होता कहाँ पर है, वो चीज हम आज इस चैप्टर में देखने वाले हैं। मैंने इससे रिलेटेड पहले भी कुछ वीडियोस बना रखी हैं, तो प्लीज आप उनको जरूर देखें और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो थोड़ा सा मैम यहाँ पे रिकॉल करने के लिए बोला है उन्होंने, तो पहले रिकॉल कर लेते हैं। द साइड ऑपोजिट टू एंगल बी इज कॉल्ड, तो आपको पता ही है कि उसको क्या बोला जाता है, आप बताएं। इसके 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली जो साइड हो गई उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। ओके, इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। और इसके बाद हो गया द साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, तो अगर उन्होंने एंगल सी की बात करी है तो ये एंगल जो हो गया वो थीटा हो गया बेसिकली, और एडजेसेंट बोला तो उसके साथ वाला ये वाला साइड, तो ये वाला जो साइड होता है वो होता है बेस। ओके, तो हम इसको यहाँ पर जो है उसको बेस लिख देंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो यूज होनी होनी है। साइड ऑपोजिट टू एंगल सी मतलब इसके सामने वाली साइड, ये वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ओके, तो ये तो हो गया हमारा रिवीजन ट्रायंगल का, और अब आगे बढ़ते हैं। ये वाले ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जिसे हम बोलते हैं, वो हमें कहाँ पे मिलते हैं अपनी डेली लाइफ में, राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली। तो आपके सामने कुछ इमेजेस दे रखी हैं, बहुत ही अच्छे इमेजेस हैं। आप अगर सीढ़ी लगाएं तो सीढ़ी क्या लग रही है, जमीन के साथ और दीवार के साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है। उसी तरीके से एक पेड़ को अगर आप देखें, उसकी शेडो को देखें बेसिकली, और तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री भी होता है। आपकी भी शेडो अगर होगी तो आप भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल आपकी लाइफ में दिखते ही हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे शिप का एग्जांपल देखें, ये क्या है, लाइट हाउस है। लाइट हाउस से यहां तक क्या कर रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो ये 90 डिग्री पे हो गया। उसी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल उल्टा भी बनता है इस तरीके से। अगर दूसरा तरीका देखा जाए तो ऐसे भी बन सकता था। ओके, तो 90 डिग्री ऐसे भी बन सकता था और ऐसे भी बन सकता है। तो बहुत सारे तरीकों से आपको राइट एंगल ट्रायंगल आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी जगह पर मिल जाएंगे। और आपके पास अगर कुछ हो आपके नॉलेज में, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कोई आपके आसपास का राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा हो। आई एम श्योर नाउ यू कैन फाइंड मेनी मोर एग्जाम्पल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल फ्रॉम योर सराउंडिंग। आई थिंक सो, आप भी कर लेंगे। इन दिस सिचुएशन वी यूजली यूज ट्रिग्नोमेट्री फॉर एंगल फॉर्म बिटवीन द ऑब्जेक्ट, लेट अस फाइंड आउट दीज एंगल्स। अब दो तरह के एंगल होते हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आइए चलते हैं, इसको समझते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है। तो यहाँ पर नीचे जो इमेज दे रखी है मैं उससे समझाता हूँ। अगर आप हैं और ऊपर की तरफ देख रहे हैं, अगर आप सामने की तरफ देख रहे होते तो ये होती है आपकी सीधी लाइन, ठीक है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, उसी तरीके से सपोज करो आप क्या है, यहाँ पर भी खड़े हैं बिल्डिंग के ऊपर, यहाँ पर खड़े हैं, तो आप सामने देख रहे हैं तो इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आपने अपना गर्दन नीचे करी और नीचे कोई कार जा रही थी उसको देखा ऐसे इधर, तो ये जो एंगल बना नीचे की तरफ बना ना, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे, बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसलिए बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब नीचे। यहां पर देखो पतंग उड़ रही थी, काइट उड़ रही थी, ये आपने अपनी गर्दन को ऊंचा करा, ऊपर करा, तो ऊपर देखा तो किसे, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर देखा, तो उसे अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे बहुत सारे और भी होते हैं, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। सपोज करो आप यहाँ पे खड़े होते, ठीक है,
तो ये तो आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाता। अब आप इस बादल को देख रहे हो, तो बादल को आप ऐसे देखते, तो ये वाला जो एंगल बनता उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते। और एक एग्जांपल देता हूँ, फिर हम इसको एंड करेंगे। सपोज करो आप प्लेन में उड़ रहे हैं, ठीक है, प्लेन बहुत ही बेकार सा बना है, कोई बात नहीं, आप प्लेन में हैं। अब प्लेन से आपने इस घर को देखा, अगर आप सीधा देखते तो क्या होता, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आपका ये वाला जो एंगल बना वो क्या बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। बस आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान देनी है, बाकी चैप्टर बहुत ही आसान है। आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपकी लाइफ में इस जो मैंने एग्जाम्पल बताया उसके अलावा कोई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, बहुत ही मजा आएगा पढ़ के। आगे इन्होंने कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, देखिए इस स्टेप्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इनको जो प्रैक्टिकली जब हम करेंगे आगे आने वाली वर्कशीट में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसमें आपको ज्यादा मजा आएगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे कि जिसमें हम अपने घर की हाइट भी मेजर करके देखेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ट्राई दीज की तरफ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है राइट टू डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन की जो यहाँ पर डिफरेंस दे रखे हैं वो यहाँ पर है। पहला डिफरेंस हो गया ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। दूसरा हो गया अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, हो गया ये, हो गया बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये आप डिफरेंस यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू है नेम द एंगल फॉर्म बिटवीन द टावर एंड द शिप एज शोन इन द फिगर थ्री ऑफ द एग्जाम्पल। तो यहाँ पर फिगर जो थ्री था उसके अंदर हमें बताना है कि ये कौन सा एंगल है। तो देखिए ये शिप में सपोज करो आप यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, तो आप सामने देख रहे हैं, अब आपने ऊपर देखा, जब आप गर्दन ऊपर उठा रहे हैं तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आप इसको आंसर लिख देंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हो गया आंसर नंबर टू। आंसर नंबर थ्री की तरफ चलते हैं। आंसर नंबर थ्री में आपको जो है ना एक प्यारी सी फिगर बनानी है, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ अपने लेंथ को इसको। ओके वन सेकेंड, या अब उसने बोला है ध्यान से पढ़ेंगे, फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम अ पॉइंट 65 मीटर अबव द सी लेवल। तो सपोज करो ये है सी लेवल, ओके ये सी लेवल है। अब वो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट 65 मीटर अबव द सी लेवल, तो यहाँ से आप जो है एक सपोज करो यहाँ पे बैठे हैं इधर, ओके, तो ये जो गैप है वो गैप कितना है 65 मीटर, ये गैप हो गया 65 मीटर। साइड में लिख देते हैं, ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, तो एक बादल है, तो यहां से आपने क्या करा इस बादल को देखा और आप सामने देख रहे थे, तो ये वाला जो एंगल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज बीटा, तो इसे बीटा मार्क कर दिया हमने, जैसे थीटा होता है वैसे बीटा। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट शेडो इज अल्फा। अब इसकी एक शेडो भी थी पानी के नीचे, ठीक है ना, ये पानी है, ये सारा का सारा पानी है। अब ये शेडो है उसकी, तो इसको मैं यहां से हमने नीचे देखा, जब हमने नीचे देखा तो ये वाला जो एंगल बना वो क्या बना, अल्फा, ओके तो ये आपकी फिगर बन गई। यहां से इन दोनों के बीच का जो गैप है, यहां से क्या बोला है, द हाइट ऑफ द क्लाउड इज 518 मीटर। कौन सी हाइट, ध्यान से समझें, पानी से ऊपर की हाइट बोली होगी, पानी से ऊपर की हाइट, द हाइट ऑफ द क्लाउड इज 518 मीटर। तो ये आपका फिगर बन गया।
उम्मीद करता हूँ आपको फिगर बनाना समझ में आया होगा। मैं पानी एक और बार नीले रंग से बना देता हूँ, ये रहा नीले रंग का पानी, ठीक है। ये आपका क्लाउड की जो इमेज है, तो यहाँ पे आई लिख देता हूँ इमेज, और यहाँ पे सी लिख देता हूँ क्लाउड। ओके, तो ये आपका क्लाउड हो गया, इमेज हो गई। आप एक जगह पे बैठे हुए हो, आप यहाँ बैठे हुए हो, और यहाँ से आपने ऊपर देखा, यहाँ से आपने नीचे देखा, और ये आपकी फिगर बन गई अल्फा और बीटा की टर्म्स में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, बिकॉज हम ऐसे वाले जो क्वेश्चंस हैं और भी देखने वाले हैं आने वाली वर्कशीट में, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।